आपका क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट वॉज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, टावर है, तो वी विल मेक द टावर। तो दिस इज योर टावर, ठीक है, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। सपोज सन आपका यहां पर है दिस साइड में, तो आपकी शेडो अब कहां पर होगी, इस साइड में, है ना, सन के अपोजिट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ग्राउंड बनाया यहां पर फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या बोला है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट वॉज 60 डिग्री। तो आपके पास में दो एंगल है, इसमें आपको उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दो पॉइंट्स बनाने हैं जहां से हम उसको देखेंगे, है ना, एलिवेशन बोला है उसने। देखो क्या लिखा है, एलिवेशन, दैट मीन्स ग्राउंड से हम देख रहे हैं, ठीक है, उस जगह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट बनाएंगे लाइक दिस, और सेकंड पॉइंट इसको हम जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो नाउ दिस पॉइंट्स क्या हो गए आपके, देखो सी एंड डी, ठीक है। अब देखो व्हेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द शेडो, सॉरी टूवर्ड द टावर, तो आपका सपोज सन यहां पर ही है ना, और सन का शेडो कब कम हो जाता है, व्हेन इट वॉज 12 o'clock, है ना। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सन की तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज योर व्हाट 60 डिग्री एंड दिस इज योर 45 डिग्री। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जब हम 45 में थे तो हमारा 10 मीटर ज्यादा था, दैट मीन्स व्हाट, अगर आप इसको 60 वाले को एक्स लेते हैं, एक्स मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10, है ना। तो दिस इज एक्स, दिस इज 10, तो 10 मीटर, तो आपका सी डी इज 10 मीटर्स एंड दिस इज योर एच, हाइट ऑफ द टावर एच मीटर्स। अब आपको क्या करना है, पहले हम ले लेते हैं 10 60 डिग्री, है ना, छोटा वाला 10 60, तो हम पहले 10 60 से शुरू करते हैं। तो 10 60, 10 क्या होता है हमारा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो सेम हम यहां पर लिखते हैं 10 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एच बाय एक्स। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो वी विल राइट हियर √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि डिस्टेंस कितना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट एच, तो दैट मीन्स यहां पर देखो वी विल टेक एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू, वी कैन से एच बाय √3, ठीक है। अब हम लेंगे 10 45 दैट इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 10, ठीक है ना। तो 10 45 होता है हमारा 1, तो अब आपका आ गया 1 इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू एक्स जहां पर पोजीशन है, तो वहां पर हम एच बाय √3 डाल देंगे, तो देखो आपका क्या आएगा, एच इज इक्वल टू एच बाय √3 प्लस 10। नाउ टेक द एलसीएम दिस साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, एच इज इक्वल टू एच प्लस 10 √3 बाय √3।
नाउ रूट थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस टेन रूट थ्री। एच को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, एच को एक साथ कर दो, तो क्या हो गया आपका, देखो रूट थ्री एच माइनस एच दैट इज इक्वल टू टेन रूट थ्री। अब देखो एच इज कॉमन, एच कॉमन है हमारा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां पर बच गया आपका रूट थ्री और यहां पर बच गया माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टेन रूट थ्री। ठीक है, तो व्हाट इज योर एच, एच इज इक्वल टू वी कैन से टेन रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन। अब रैशनलाइज कर दो पहले इसको, है ना, क्योंकि नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे, तो यहां पर माइनस है, वी विल गो फॉर अ प्लस नाउ, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इनटू रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो टेन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज व्हाट थ्री, टेन इंटू थ्री इज थर्टी प्लस टेन रूट थ्री बाई रूट थ्री, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री माइनस वन स्क्वायर इज वन, तो नीचे हो गया आपका टू, तो दिस इज इक्वल टू नाउ थर्टी प्लस टेन इंटू रूट थ्री की वैल्यू डाल दो, तो रूट थ्री की वैल्यू इज 1.732 बाई टू। ठीक है, तो 1.732 इंटू टेन कितना होगा 17.32, तो ये आपका क्या आ गया, देखो 30 प्लस 17.32 बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से 47.32। बाई टू, अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, टू टाइम्स देन थ्री टाइम्स इज 6.1313, दैट मीन्स 6, देन अगेन 1, दैट मीन्स अगेन 6, तो 23.66 मीटर्स इज योर हाइट। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है।